उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक कस्बे अनूप शहर में एक बेहद खूबसूरत सपना साकार हो रहा है। ऐसा सपना जो आज से 20 साल पहले वीरेंद्र सिंह ने देखा था। तब वीरेंद्र 60 की उम्र पूरी कर चुके थे, लेकिन उनमें अपने स्टार्टअप को लेकर किसी युवा जैसा ही जोश था। मूल रूप से अनूप शहर के रहने वाले वीरेंद्र सिंह अपनी जवानी में ही अमेरिका चले गए थे। जब रिटायर हुए तो वो इतना पैसा कमा चुके थे कि इनकी आने वाली पीढ़ियां आराम से जीवन बिता सकती थी। इतना कुछ हासिल करने के बाद जब वीरेंद्र वापस अनूप शहर आए तो उन्हें एक घटना ने झकझोर कर रख दिया। गांव में 12 साल की एक बच्ची के सलवार में कुछ खून लगा था। ये देखकर उस बच्ची की चाची ने उसकी माँ से कहा कि बेटी अब जवान हो गई है और इसकी शादी की उम्र आ गई है। गांव में बच्चियों की शादी करवाने का यही पैमाना होता था। तब वीरेंद्र ने मन बनाया कि उन्हें गांव की इन बच्चियों के लिए कुछ करना है। इस घटना के बाद वीरेंद्र ने अनूप शहर में एक अनोखा स्कूल शुरू किया। ऐसा स्कूल जिसमें आज 1600 से ज्यादा गरीब बच्चियां निशुल्क पढ़ाई कर रही हैं। इतना ही नहीं, बीते 20 सालों में इस स्कूल से पढ़ी कई बच्चियां आज देश के अलग अलग शहरों में नौकरियां कर रही हैं। खास बात यह है कि ये सभी बच्चियां समाज की सबसे निचले तबके से आती हैं। इस स्कूल में बेहद गरीब परिवार की लड़कियों को ही दाखिला मिलता है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। इसके लिए वीरेंद्र और उनकी टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस स्कूल की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। वीरेंद्र की बेटियों ने कहा कि पुश्तैनी जमीन पर बन रहे इस स्कूल का नाम परदादा परदादी स्कूल होना चाहिए। ये नाम पसंद आया और फिर दो कमरों के इस स्कूल की शुरुआत हुई। इसमें वीरेंद्र का साथ दिया भूटान से लौटे शाजन जोश ने। शुरुआत में गांव वाले अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर वीरेंद्र और शाजन ने मिलकर एक रणनीति बनाई। उन्होंने बच्चों के पेरेंट्स से वादा किया कि बच्चों को फ्री एजुकेशन और फ्री खाना भी दिया जाएगा और इसके साथ ही हर दिन स्कूल आने पर 10 रुपए भी दिए जाएंगे। वीरेंद्र ने बताया कि ये स्कीम काम कर गई और लोगों ने पैसे के लालच में ही सही लेकिन बच्चों को भेजना शुरू किया। लेकिन इस स्कीम ने आगे चलकर बहुत मुश्किलें भी बढ़ाई, जिसके बाद तय हुआ कि बच्चों को ये पैसा तभी दिया जाएगा जब वो 10वीं की परीक्षा पास कर लेंगे। और वीरेंद्र का ये तरीका काम कर गया। दो कमरों से शुरू हुआ ये स्कूल अब एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बदल गया है और 30 एकड़ के कैंपस में फैल गया है। अब गरीब बच्चों के परिवार वाले भी गर्व करने लगे हैं कि उनकी बच्चियां एक ऐसे स्कूल में पढ़ती हैं जो किसी भी पब्लिक स्कूल से कम नहीं है। स्कूल में हर बच्चे की पढ़ाई पर औसतन 39,000 रुपए सालाना खर्च होता है। ये पैसा ज्यादातर अप्रवासी भारतीय देते हैं जिन्होंने इन बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाया है। 12वीं तक बच्चों के लिए सब कुछ मुफ्त है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को खुद भी कुछ जिम्मेदारी लेनी होती है। इन बच्चों की उच्च शिक्षा पर होने वाला खर्च परदादा परदादी स्कूल ही उठाता है, लेकिन बच्चों को ये खर्च अब लोन की तरह करीब 1,30,000 रुपए के तौर पर हर साल दिया जाता है। ये पैसा इस वादे के साथ दिया जाता है कि नौकरी लगने के बाद बच्चे स्कूल को ये पैसा वापस करेंगे ताकि उनके जैसे ही और भी बच्चे इस पैसे से हायर एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। इस स्कूल में करीब 120 लोगों का टीचिंग स्टाफ है और बच्चों को सिलाई बुनाई जैसे हुनर भी सिखाए जाते हैं। खास बात यह है कि ये सब बिना किसी सरकारी मदद के होता है। वीरेंद्र की ख्वाहिश है कि जल्द ही इस स्कूल में बच्चियों की संख्या 6,000 तक पहुंचे और ऐसे मॉडल स्कूल गांव-गांव में शुरू हों। कोविड संक्रमण के दौर में ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए स्कूल ने 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाली सभी बच्चियों को फ्री में टैबलेट बांटे हैं। जिन परिवारों की बच्चियों के घर में किसी के पास भी स्मार्टफोन नहीं है, वो बच्चियाँ अब इस स्कूल की मदद से टैबलेट पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रही हैं। बच्चों को पढ़ाने के साथ ही ये स्कूल कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर भी चला रहा है, जिसमें आसपास के गांव की 5,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। यहां विलेज प्रोडक्शन सेंटर भी खोले गए हैं, जहां लोगों को 15 दिनों की ट्रेनिंग देकर ब्लैकबेरी, एलन सोली जैसे बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट भी तैयार कराए जाते हैं। इस गाँव के लोग कहते हैं कि अगर ये स्कूल नहीं होता तो वो कभी भी अपनी बेटी को पढ़ा नहीं पाते। आज जब बेटी फर्राटे से अंग्रेजी बोलती है तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।